जाके बड़ा दो रुपया चल जाएगा। बिलीव मी, मैं थर्ड ईयर में हूँ और आज फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो शिवानी था एंड आज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ दैट इज अ कल्चर रिलेटिव्स आपके साथ भी हुआ होगा कि घर में अचानक बात होती रहती है मम्मी की मौसी बुआ से अचानक वो फोन तुम्हारे कान पे आ जाता है। मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया कि मेरी मम्मी के चाचा की लड़की मुझसे क्या बात करना चाहती है। वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है कि कोई आगे तुम्हारे कान पे फोन रख देता है और वहाँ से आवाज़ आती है हेलो शिवानी मैं तुम्हारी दीदी बोल रही हूँ एंड वो ये सोचती है कि ये जो बंदा जिससे बात कर रहे हैं वो या तो वो ट्रू कॉलर है या तो वो भगवान है जिसे पता होगा कि मैं किस दीदी से बात कर रही हूँ। और मैं भी पूछा मैं पूछती भी नहीं कि दीदी आप दीदी कौन सी दीदी बोल रही हो क्या पूछूँ मैं दीदी कौन क्या नाम तो बताओ नाम तो होगा आपका सीधे ओ माय गॉड दीदी आप हाँ दीदी कितने दिन से फोन नहीं किया मैंने कुछ लाइन्स रट के रखी हैं। कभी कभार क्या होता है कि ये लाइन्स जो मैं बोलती हूँ तो मैं सुनती भी नहीं कि आगे वाले ने क्या रिस्पॉन्ड किया और मैं सीधे अपनी लाइन्स आगे कंटिन्यू करने लगती हूँ लाइक हेलो दी हाँ शिवानी आप कैसे हैं दी और घर में सब कैसे अरे दी मैं बाहर हूँ घर के बाद इसलिए मैं कि वो भी घर में मुझसे पूछे कि तुम्हारे घर में सब कैसे तो मैं बोलती हूँ कि दी मैं तो बाहर हूँ अच्छा दी मैं आपको मम्मी का नंबर सेंड कर देती हूँ फिर मुझे वो मम्मी से बात करती आज तक मुझे नहीं समझ में आया कि व्हाट इज क्या बोलूँ मैं मुझे बात क्या करूँ क्या मैं उनके साथ अपने फॉर्मूलाज डिस्कस करूँ या कुछ करूँ फिर इसलिए इसलिए इसका नाम मैंने टॉर्चर रखा है कि ऐसा टॉर्चर सो गाइस इस टॉर्चर को यहीं पे रुकता है आई नो कि ये रिलेटिव के नाम पे आपके ऊपर मैं टॉर्चर कर रही हूँ दूसरा वाला टॉर्चर तो मैं आती हूँ अपनी पोएम पे और मेरी पोएम का जो टॉपिक है वो है फेक इमेज। जनरली लोग फेक इमेज को किससे रिलेट करते हैं फेक इमेज मतलब बुरे मंसूबे या फिर बुरे ख्याल बट हमेशा ऐसा नहीं होता कंडीशन अलग अलग होती है सिचुएशन अलग अलग होती हैं सो गाइस फेक इमेज भी अलग अलग होती हैं। कई बार इंसान फेक इमेज इसलिए क्रिएट करके रखता है ताकि वो कितना मजबूर है सामने वाला ना जान सके वो कितना कमज़ोर है वो सामने वाला ना जान सके क्योंकि गाइस ये दुनिया जैसी जैसा बोलती है वैसा सोचती नहीं और जैसा सोचती है वैसा करती नहीं दुनिया अलग है बॉस। लोग तुम्हारे सामने कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे या फिर पीछे बदल जाएंगे और ये बदलने का एक्सपीरियंस जिसको गुजरता है ना वो इंसान रखता है। सो गाइस मेरी पोएम की स्टार्टिंग भी बदलने से ही है बदला रंग किनारों का सफीना आज भी खोया है खुश मिजाज कहते हैं जिसे छुप छुप करके वो रोया है खुश मिजाज कहते हैं जिसे छुप छुप करके वो रोया है। क्या बात क्या बात। शिकवा क्या करूँ गलती ना तेरी शिकवा क्या करूँ गलती ना तेरी मैं तो उम्मीदों का हमारा हूँ अपनों से लड़ा दूजों से लड़ा फिर भी खुद से ही हारा हूँ उलझाऊँ जाने किस तरह मंजिल है मगर आवारा हूँ आवाज तो दी पर कुछ ना मिला जाने कब से खुदा मेरा सोया है खुश मिजाज कहते हैं जिसे छुप छुप करके वो रोया है। उंदा उंदा। किसे परवाह मैं हारा नली परवाज हुए वाला कैस परवाज मतलब उड़ाना किसे परवाह मैं हारा नली परवाज दोबारा जो सबसे जाके कह देता बना देते मुझे बेचारा मैं जो खुश हूँ तो सब है साथ मैं जो रोया हूँ करता हूँ कोई ये जान ना पाया मैं रातों को सकता हूँ कोई ये जान ना पाया मैं रातों को जाहिर भले ही ना करूँ पर ख्वाब मैंने भी पिरोया है जाहिर भले ही ना करूँ पर ख्वाब मैंने भी पिरोया है खुश मिजाज कहते हैं जिसे छुप छुप करके वो रोया है खुश मिजाज कहते हैं। जिसे मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी दूसरी पोएम से जोड़ते हुए कई चेहरे हैं दुनिया में है हर चेहरा यहाँ झूठा कई चेहरे हैं दुनिया में है हर चेहरा यहाँ झूठा तो अगर पहचान ले खुद को तो बस इतना ही काफ़ी है तू अगर पहचान ले खुद को तो बस इतना ही काफ़ी है मतलब की नीयत सबकी मुझे मतलब नहीं इससे है मतलब की नीयत सबकी मुझे मतलब नहीं इससे मैं खुद के काम आ जाऊँ तो बस इतना ही काफ़ी है। छुपा करके मुझे मुझसे जुतारी हो के फुल बांधे छुपा करके मुझे मुझसे जुतारी हो के फुल बांधे मैं जब भी टूट के बिखरा
न मिल पाए मुझे गाने, मैं जब भी टूट के बिखरा न मिल पाए मुझे गाने। मुझे अफसोस बस इतना कि मैंने कद्र की उनकी, मुझे अफसोस बस इतना कि मैंने कद्र की उनकी, जो खुद की कद्र कर लेता तो बस इतना ही काफी था। सिखाया वक्त ने मुझको मुझे कब क्या था क्यों काफी, सिखाया वक्त ने मुझको मुझे कब क्या था क्यों काफी, अगर अब फिर जो गलती की मिलेगी ना मुझे माफी। हसी का ना कोई अपना मेरा बस है मेरा सपना, हसी का ना कोई अपना मेरा बस है मेरा सपना, अगर ये मान मैं जाऊँ तो बस इतना ही काफी है, अगर ये मान मैं जाऊँ तो बस इतना ही काफी है। नमाना मैं नमाना दिल हुआ फिर क्या मुझे हासिल, नमाना मैं नमाना दिल हुआ फिर क्या मुझे हासिल, मैं जिन पे जांच रखता था वही निकले मेरे कातिल, जिन पे जांच रखता था। बढ़िया। जमीन मेरा मुझे रोके, जमीन मेरा मुझे रोके, न सह पाऊंगा अब धोखे, जो खुद पे तरस खा जाऊं।